Hi guys, in the last video we have discussed about the noun case part 1. In this we will read about the noun case part 2. Last video में हमने बताया था कि किस तरीके से possessive case को form किया जाता है और आज हम पढ़ेंगे कि possessive case का use कहाँ और कैसे किया जाता है. तो use of the possessive case, हम जो possessive case होते हैं उनका use यानी apostrophe का या s का use किसके साथ करते हैं? Only with living beings. Living beings आपको पता है बच्चों कि जो भी चल फिर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, they can breathe, they can move, they are called living beings. और नॉन लिविंग थिंग के साथ, याद रखने की बात है, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम किसका यूज नहीं करते? पोजेसिव केस का यूज नहीं करते. एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे डाइनिंग टेबल्स कवर. डाइनिंग टेबल क्या है बच्चों? नॉन लिविंग थिंग है. तो इसके साथ अगर हम टेबल्स लगा रहे हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा. इसे हम सिंपली लिखेंगे कवर ऑफ द डाइनिंग टेबल. ऐसे ही मैंने आपको कहा लिविंग थिंग के साथ तो हम यूज करेंगे. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. गवर्नर्स बॉडी गार्ड यानी गवर्नर का बॉडी गार्ड. अब गवर्नर कौन है? एक लिविंग पर्सन है. तो इसके साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं. तो समझ आ गया कि लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं पोजेसिव केस का और नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं करते. दूसरा, विद द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स. अब ये पर्सोनिफाइड क्या होता है बच्चों? जब भी हम किसी चीज को, नॉन लिविंग को, क्या मान लेते हैं? ह्यूमन बीइंग के किसी पार्ट से कंपेयर कर देते हैं, जैसे उसकी लाइफ से कंपेयर कर दें, आईज से कंपेयर कर दें, तो वो क्या हो जाता है? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो जाता है. जैसे इंडिया. इंडिया क्या है? एक कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये पर्सोनिफाइड नहीं है. इंडियाज हाउसेस यानी हम बात किसकी कर रहे हैं? इंडिया में रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. तो लोग क्या है? लिविंग बीइंग है. तो लिविंग बीइंग का जो हमने इंडिया को पर्सोनिफाई किया वो हो गया इंडियाज हाउसेस. भारत के घर नहीं है. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत के लोगों के घरों की बात कर रहे हैं. तो ये क्या हो गया? लिविंग बीइंग से मैंने आपको कहा मान लेते हैं तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन हो जाता है. नेक्स्ट, जहां पर भी बच्चों स्पेस की बात हो, टाइम की बात हो या वेट की बात हो, वहां पर भी हम पोजेसिव केस का यूज करते हैं. जैसे टाइम की बात कर लेते हैं. आ मंथ्स स्टे. अब मंथ क्या है? टाइमिंग दी हुई है कि हमें कितने दिन स्टे मींस रुकना है, कितने दिन. मंथ यानी एक महीना टाइमिंग हो गई. तो इसके साथ हमने क्या लगाया? अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया. अब बात देख लेते हैं स्पेस की. तो कितना स्पेस है? हमने बात की अ मीटर्स लेंथ यानी कितना बड़ा है. एक मीटर जितनी लंबाई है, एक मीटर स्पेस उसने घेरा है. नेक्स्ट बात करते हैं वेट की. तो हम कहते हैं अ पाउंड वेट. केक आप लेते हैं ना बच्चों, तो किस में नापा जाता है केक को? पाउंड में. तो पाउंड्स क्या कहते हैं हम? अ पाउंड्स वेट यानी वेट जहां पर किया जाता है वहां पर भी हम पोजेसिव केस का यूज करते हैं. नेक्स्ट, द पोजेसिव ऑफ प्रॉपर नाउन यानी जहां पर प्रॉपर नाउन होता है वहां पोजेसिव में जो भी वर्ड ट्रेड को, बिजनेस को, बिल्डिंग को या प्लेस को डिनोट करते हैं उनके बारे में बताते हैं. मैंने कहा कि जो भी नाउन, और वो नाउन कैसे हो? प्रॉपर नाउन हो,
प्रॉपर नाउन यानी स्पेसिफिक नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग। तो वो जो चीजें होती हैं वहां पर, वो किसी ट्रेड के बारे में बात की जा रही है, बिजनेस या बिल्डिंग की बात की जा रही है, तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस यानी पोजेसिव केस का यूज करते हैं। जैसे शी हैज गोन टू द बेकर्स शॉप। आप देखिए बेकर क्या है, एक तरह से बेक करना एक बिजनेस है, तो किसकी शॉप पर गई, बेकर्स, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बेकर्स यानी अपोस्ट्रोफी एस पोजेसिव केस का यूज किया। या हम मान लें टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स। अब यहाँ पर अंकल्स हमने लगाया तो इसका पूरा मीनिंग क्या निकला कि अंकल्स यानी अंकल के, लेकिन क्या अंकल के, ये अंडरस्टूड है घर पर। डाइनिंग करना मींस खाना खाना, डिनर करना। तो आज रात को वो क्या कर रही है, यानी मैं क्या कर रही हूँ, अपने अंकल के घर गई हूँ क्या करने, खाना खाने के लिए। तो अंकल्स यहाँ पर भी हमने पॉजेसिव केस का यूज किया है। अब कभी कभी बच्चों क्या होता है कि जो प्रेपोजिशन आ जाती है ना हमारी, तो उससे मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है पोजेसिव केस लगाने से। जैसे मैं बात करूं, हम कहना चाहते हैं कि द लव ऑफ अ फादर, तो हम इसको पोजेसिव में चेंज करेंगे, इसका मतलब हो गया आ फादर्स लव यानी पिता का प्यार किसके लिए है, फॉर द चाइल्ड है या ऑफिस चाइल्ड है, या फिर हम कह लें चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर यानी बच्चे को भी अपने पिता से प्यार हो सकता है। तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं यानी पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। अब मैंने एक वर्ड यूज किया था बच्चों, एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग नियर। तो नाउन्स इन एपोजिशन क्या होते हैं, जब नाउन फॉलो करता है दूसरे नाउन को, ये डिस्क्राइब करे, दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करते हुए फॉलो करे, तो जो फॉलो करता है ना वो होता है अपोजिशन टू द नाउन जो इससे पहले आता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। अब यहाँ पर देखिए दो नाउन वर्ड यूज हुए हैं बच्चों, रामा और कैप्टन। अब हम देखें कि इसमें अपोजिशन कौन सा है यानी नियर वन कौन सा है, कैप्टन, क्योंकि ये एक नाउन है और रामा के नियर है, हमने कहा प्लेसिंग नियर, जो नाउन के प्लेस में दूसरा नाउन हो गया वो फॉलो करता है, तो कैप्टन तो हो गया अपोजिशन नाउन। और फिर अगर हम बात करें रामा की, तो ये क्या होगा बच्चों, नॉमिनेटिव केस। मैंने आपको बताया था जहां पर सब्जेक्ट की बात की जाए और वो किसी पर्सन का नेम है, प्रॉपर पर्सन कौन है, रामा, तो वो क्या हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। और जो दूसरा नाउन वर्ड है बच्चों वो क्या हुआ हमारा, पोजेसिव केस हुआ। अब हम बात करें, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कोई कोई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं हमारे, यानी दो के बारे में बात की जाती है, एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो हम कैसे पता करें किसके साथ यूज करें, तो नाउन नेमिंग द पर्सन, जब भी हम पर्सन के नेम का यूज करें उसे हम हमेशा ही, याद रखना बच्चों, ऑलवेज वी विल काउंट एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसका ऑब्जेक्ट मानेंगे, वर्ब का, और कौन सा, इनडायरेक्ट। एंड नेम्स ऑफ थिंग, जो भी थिंग्स के नेम होंगे वो क्या होंगी, हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगी। ये बात बहुत ध्यान देने की है, जहां पर भी पर्सन और थिंग दो ऑब्जेक्ट हैं एक ही सेंटेंस में, वहां पर जो पर्सन होगा वर्ब के बाद वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो पहले होगा वो क्या होगा, थिंग यानी क्या होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टीचर टॉट मैथ्स टू दिया। अब देखिए
टीचर टॉट, मैंने क्या बताया था, जब आंसर मिल जाए क्या पढ़ाया, टॉट मैथ्स, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, डायरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि मैथ्स क्या है, एक थिंग है, सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ इसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या कहा था, किसे पढ़ाया, टू दिया, यानी दिया को पढ़ाया मैथ्स। दिया कौन है, एक पर्सन है, तो पर्सन जो हुआ वो क्या हुआ हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम नाउन केस में पोजेसिव जो केस होते हैं उसको कहाँ कहाँ और कैसे यूज करते हैं। तो आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड द लेसन वेरी वेल, और कोशिश करिए कि आप अपनी जो भी वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बुक एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अपने आप करने की कोशिश करें, पहले समझें और फिर उसे करें, लेकिन विद पेंसिल। ओके, थैंक यू।